मैं एज ए स्टूडेंट आपसे पूछना चाहता हूँ, टाइम टेबल क्या रहना चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट को आपने इम्पोर्टेंट माना, प्री की क्या स्टेट सी थी, आप कितने महीने पहले स्टार्ट कर दिए थे पेपर के तैयार करना, 3 महीने बचे हो, 3 से 4 महीने, क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है, ये जर्नी के दौरान आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आए, तो आपके 6-7 वैकेंसी को क्या एक साथ टैकल कर सकते हैं क्या। वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा 24/7। आज ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ हैं सागर जी, जिनका नाम ही है सागर जी, जिन्होंने SSC जी 2022 में सिलेक्शन पाए हैं, मीन्स क्वालिफाई किए हैं, और उसके बाद रेलवे NTPC भी इन्होंने क्वालिफाई किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सागर भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। और अपनी एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताइए, और उसके पहले बताइए कैसा फील कर रहे हैं आप। सर डेफिनेटली सिलेक्शन मिलने के बाद तो खुशी होती ही है। ओके लेकिन ये अंत नहीं है, इसके आगे भी बहुत तैयारी करना है मुझे। बिल्कुल। तो सागर अपने पहले एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताइए, क्योंकि उसके पीछे मेरी जानी है ना, बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं ना जो ये बोलते रहते हैं कि यार हमें ये प्रॉब्लम आई, हम विलेज से गांव से बिलोंग करते थे, इस वजह से हमने तैयारी नहीं कर पाए। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था? यस सर, मैं भी विलेज से ही बिलोंग करता हूँ। okay. लेकिन मैंने अपना 10th और 12th पटना से और कोचिंग के थ्रू तैयारी किया, और फिर मैंने JEE मेंस का एग्जाम दिया, उसको क्वालिफाई किया, तो उसके बाद मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ और मुझे NIT अगरतला में एडमिशन मिला 2014 में, और 2018 में मैं पास आउट हुआ सिविल इंजीनियरिंग से। 18 के पास आउट? यस सर। इसके बाद आपने क्या किया? सर उसके बाद मुझे कॉलेज से प्लेसमेंट हुआ था, इंफोसिस में हुआ था, लेकिन मुझे लगा कि वो लोग रफली 30,000 ऑफर कर रहे थे, तो मुझे लगा कि मैं 1-2 साल प्रिपरेशन करूँगा तो मेरा हो जाएगा, क्योंकि मैं देख चुका था कि कंपटीशन फेस करके JEE मेंस का कि थोड़ा मेहनत से मेरा कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करता हूँ सिविल इंजीनियरिंग में, तो फिर मैं उसके बाद से तैयारी के लिए दिल्ली आ गया, और उसके बाद तैयारी किया, और 2022 के JEE मेंस मैंने क्वालिफाई करके फाइनली मेरिट लिस्ट में अपना जगह बना लिया। बिल्कुल। कौन से डिपार्टमेंट मिला था आपको? MES डिपार्टमेंट मिला है सर। MES। और आपने रेलवे भी क्वालिफाई किया? यस सर, NTPC। 2019 में जो NTPC की वैकेंसी आई थी मैंने उसे भी फिल किया था, उसको भी मैंने इस साल ही उसका रिजल्ट फाइनल क्लियर हुआ है, उसका भी ज्वाइनिंग लेटर मुझे आ गया, लेकिन मुझे उसे ज्वाइन नहीं करना है क्योंकि मुझे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड चाहिए, तो जाहिर सी बात है मैं MES ही ज्वाइन करूँगा। बिल्कुल। दोस्तों ये एक स्ट्रेंथ होती है, समझ गए, ये कॉन्फिडेंस होता है कि इनको प्राइवेट जॉब मिली थी, कॉलेज से प्लेसमेंट हुआ था, लेकिन इन्होंने ज्वाइन नहीं किया, और इन्होंने ये सोचा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, इसके साथ साथ इन्होंने NTPC भी निकाला, उसको भी नहीं ज्वाइन किया, और फाइनली इन्होंने SSC JEE 2022 क्वालिफाई किया। और एक चीज़ बता दूं कि प्री में बहुत अच्छे नंबर हैं, मेंस में तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही जाता है, लेकिन इनके प्री में बहुत अच्छे नंबर थे, और इनका मेंस जितना तैयार था, आई होप, मुझे पूरा का पूरा यकीन था कि टॉप 10 रैंक ला सकते थे, लेकिन मेंस था, मेंस में कुछ भी पॉसिबल है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और प्री में इनके बात करूँ अगर मैं तो सागर के प्री में 156 मार्क्स, बहुत अच्छे नंबर हैं मेरे ख्याल से। वहां पर तो मतलब कैसे क्या इतना कैसे किए थे कि 156 नंबर? सर 156 पहली बात होती है कि अच्छे तरीके से तैयारी करने का, उसके बाद अच्छा मैं टेक्निकल में कितने थे? टेक्निकल में 81 के आसपास रफली थे मेरे, 81 या 82 ऐसा ही कुछ थे, एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे, मोबाइल में स्क्रीनशॉट है, मुझे देखना पड़ेगा। और मेनली जब आपके प्रिपरेशन कंप्लीट होती है या किसी भी मतलब अच्छे फैकल्टीज़ के ग्रुप ऑफ फैकल्टीज़ के अंडर आके आप अपना जब प्रिपरेशन करते हैं और अच्छे से नोट्स वगैरह तैयार करते हैं, तो उसके बाद उसका रिवीजन और प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्रैक्टिस, रेगुलर यूट्यूब जो सेशन सर आपके रजत सर के और आरके सर के होते थे, ये सब लगाते रहे लगभग 6 मंथ। लगभग मैंने अड्डा को लगभग 1.5 साल से फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन SSC JEE के लिए लगभग मैं SSC JEE 2022 के लिए लगभग मैं 3 मंथ आपका सेशंस लगातार यूट्यूब वाला किए थे। इसकी वजह से मुझे लगा कि मैं 10-15 हज़ार क्वेश्चंस और उसके अलावा जो खुद से मैंने टेस्ट सीरीज वगैरह लगाए और भी क्वेश्चंस लगाए, लगा के लगभग लगा कि 10-15 हज़ार के आसपास मैंने क्वेश्चन कर लिया था। बिल्कुल। अगर 3 सेशन होते हैं हमारे यहाँ की, एक मेरा सेशन 2 बजे से होता है, रजत सर का होता है, आरके सर का होता है, 3 सेशन मीन्स करीब 200 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। yes. एक महीने में आराम से 6,000 क्वेश्चन हो ही जाते हैं। तो 3 मंथ लगभग मैंने ये लगाया, उसके अलावा भी मैं क्वेश्चन लगाता था, ऐसा नहीं था कि मतलब केवल सेशन से लगाते थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं लगाता था और उनको प्रॉपरली तरीके से एनालिसिस करता था, जो नहीं आते थे उसको सब्जेक्ट के पीछे मैंने व्हाइट पेजेस छोड़ रखे हैं 10 पेजेस, उसमें अपने बुलेट पॉइंट्स बना के लिखते थे हर क्वेश्चन में, मतलब 100 क्वेश्चन बना रहे हैं, 2-4 क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको मैं स्क्रीनशॉट क्लास के दौरान ले लेता था, बाद में उसको नोट करता था, उसका रिवीजन से ऐसा ही कंटिन्यूअस रिवीजन से ऐसा ही इंप्रूवमेंट करते 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 मेरा टेक्निकल में अच्छे मार्क्स आते हैं। मैं यहां पर एक पॉइंट के लिए आपको रोकना चाहूंगा और ऐड भी करना चाहूंगा,
देखिए जब आप ना एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप लेटर सपोज कोई भी सेशन सॉल्व कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, तो 100 क्वेश्चन होंगे, तो 100 क्वेश्चन में एटलीस्ट आप 30-40 क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे, बाकी 60 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जो 40 क्वेश्चन बचे हुए हैं ना, आप वहां पर जाके उसको एनालिसिस करिए, जैसे कि सागर जी ने भी किया है और भी बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो करते हैं। तो वहां जब आप 40 क्वेश्चन वो आप देखेंगे ना, तो वहां पर आपको एटलीस्ट 30 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन तो आप सिली मिस्टेक वाले होंगे, बाकी 30 क्वेश्चन में प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट होगा जो आपको नहीं आ रहा होगा। वो क्वेश्चन को जाइए, कॉन्सेप्ट को पढ़िए और अपने शॉर्ट्स नोट्स में उसको क्या करिए, ऐड करिए। तो इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है सर। मतलब क्वेश्चंस तो आपको मतलब 10 क्वेश्चंस ऐसे हर सेशन में मिलेंगे ही मिलेंगे जो आपने पढ़े, क्योंकि जेई का सिलेबस बहुत भास्ट है, इतने छोटे छोटे पॉइंट हैं कि आपको ये नहीं कह सकते कि मेरी तैयारी अब कंप्लीट हो चुकी है, तैयारी कभी कंप्लीट नहीं होने वाली है। आप रोज क्वेश्चंस लगाएंगे, रोज आपको एक दो पॉइंट ऐसे मिलेंगे, रोज आपको नोट्स में अपग्रेड करना है। ऐसा नहीं है कि एक बार नोट्स बना लिया तो कंप्लीट हो गया, वैसे फिर आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं हो सकते हैं। सही बात। तो आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बताएंगे। स्ट्रेंथ ये है सर कि मैं एक फास्ट लर्नर हूँ, जब भी क्लासेस वगैरह चलते हैं तो जनरली उसको मैं जल्दी ग्रैब कर लेता हूँ। और वीकनेस ये है कि मुझे कोई भी चीज़ को बार बार रिवीजन करना पड़ता है, प्रोसेस करना पड़ता है। मान लिया कि बीच में अगर 10 दिन के लिए कोई चीज़ छूट जाता है तो थोड़े थोड़े पॉइंट्स मिस होना चालू हो जाते हैं, तो उसको रेगुलर मैं रिवीजन करते रहना बहुत ज़्यादा जरूरी समझता हूँ। देखिए ये एक बड़प्पन की निशानी होती है, ये क्या बता रहे हैं कि मतलब वीकनेस भाई सब लोग भूल जाते हैं, ठीक ना, लेकिन इसी को वीकनेस मान के बार बार रिवीजन करते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद रह जाएं। अच्छा बहुत, मैं एज ए स्टूडेंट आपसे पूछना चाहता हूँ, टाइम टेबल क्या रहना चाहिए और किस टाइम टेबल को फॉलो करके आपने सिलेक्शन पाया है, तो क्या मैं भी ऐसा ही टाइम टेबल फॉलो करके सिलेक्शन पा सकता हूँ? सर टाइम टेबल का तो ऐसा है कि पढ़ाई तो आपको ऐसा ही करना चाहिए जैसे आपको आउटपुट मिले और आपका मन लगे। ऐसा नहीं है कि कोई नाइट आउल है, कोई दिन में पढ़ता है, कोई रात में पढ़ता है, तो कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं हो सकता। अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल तैयार करना चाहिए, जब आप कंफर्टेबल है उस हिसाब से पढ़ें, और ज़बरदस्ती पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, फिर वो दिमाग में आपके घुसेगा नहीं, ठीक है। और मैं जनरली दिन में पढ़ाई करता हूँ, रात को 10 बजे तक मैं पढ़ाई लिखाई करके फ्री हो जाता हूँ, उसके बाद खाना पीना खाता हूँ, थोड़ा देर इंटरटेनमेंट के लिए मोबाइल या लैपटॉप पर कुछ मूवीज़ वगैरह देख लिया, उसके बाद मैं 12 बजे से पहले सो जाता हूँ और सुबह फिर 7 बजे के आसपास उठता हूँ और नहा धोवा के फ्रेश होकर उसके बाद मैं 8 बजे 8:30 के आसपास पढ़ने बैठ जाता हूँ। दिन भर पढ़ाई, फिर लगभग दिन भर पढ़ाई चलती है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। बीच बीच में मुझे जैसे हम लोग बैचलर अकेले रहते हैं तो खाना पीना बनाना पड़ता है, लंच ब्रेक में के लिए 1.5 घंटा पहले उठना पड़ता है 12-1 बजे के आसपास, तो खाना पीना बना के खाना पीना खा के मतलब खुद से खाना बनाना। यस सर, यस सर, हम लोग अकेले रहते हैं तो खाना मतलब एक चीज तो होता है कि जब आप कोई चीज ठान लिए ना कि होना है तो होना है, उसके पीछे बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, सब मतलब प्रॉब्लम तो एक पार्ट है इसका। यस सर, प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं, प्रॉब्लम्स तो सागर आती रहती है, इनसे कभी डरना ही नहीं है। कभी कभार ऐसे होगा, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो यहाँ पर आके बताते हैं, सर मैं गांव से था, मैं नहीं कर पाया, सर मेरे यहाँ कोई मेड नहीं आती, मैं खुद खाना बनाते, सब बहाने, करने वाले सब कुछ कर जाते हैं और नहीं करने वाले बस ऐसे ही बहाने बताते रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि तरफ PYQ करने चाहिए, MCQ कब करने चाहिए, या कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना चाहिए, शॉर्ट नोट्स के बारे में, ये सारी स्ट्रेटजी में मैं आपसे बात करने वाला हूँ आज, और आपकी प्री और मेंस की स्ट्रेटजी में भी बात करूंगा। तो पहले मैं आपके टाइम टेबल पे ही बात करता हूँ। आपके प्री में जैसे कि आप टेक्निकल और नॉन टेक्निकल क्या दोनों एक साथ लेके पैरेलल चले थे? यस सर, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल चूंकि 50-50 पार्ट्स हैं SSJEE एग्जाम का, तो आपको लेके चलना ही है। ऐसा नहीं है कि आप नॉन टेक्निकल छोड़ के आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। बिल्कुल, जस्ट प्री क्वालिफाई करने से आज के टाइम पे इतना कट ऑफ ज्यादा जा रहा है कि प्री क्वालिफाई करने से जस्ट कुछ होने वाला नहीं है। आपको प्री में भी अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, मेंस में तो अच्छे करने ही करने हैं, तो आपको 100 नंबर नॉन टेक्निकल है तो उसे तैयारी तो करना ही पड़ेगा। और उसमें भी जीके ही परेशान करने वाला पोर्शन है, रीजनिंग परेशान करने वाला पोर्शन नहीं है, क्योंकि रीजनिंग अगर 2-3 महीने आप अच्छे से सेशंस लगाते हैं, जैसे अभिषेक सर के क्लासेस चलते हैं रीजनिंग के, अगर आप 2-3 महीना सेशंस अच्छे से लगाते हैं, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है, तो आप प्रैक्टिस करते करते, रीजनिंग का तो बस प्रैक्टिस ही है, उसका दूसरा कुछ है, प्रैक्टिस करते करते 2-3 महीने में आपका ठीक हो जाएगा। मेरे रीजनिंग में 45 मार्क्स थे, मैंने 46 या 47 मैंने सोल्व किया था और 45 मार्क्स मेरे लगभग आ गए थे, 45 पॉइंट कुछ मार्क्स मेरे वो आ गए थे। तो रीजनिंग तो ऐसे सोल्व हो जाता है, रह गया जीके। जीके है कि 50 नंबर कहीं है लेकिन उसमें इतने पार्ट्स है कि आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ जाता है उसमें। सही बात। और मेनली उसमें लेकिन करंट अफेयर्स हैं, और चूंकि हम लोग साइंस बैकग्राउंड के हैं तो अगर बाकी चीज़ें पढ़े हुए हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हुए हैं तो भी 20 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें 10 क्वेश्चन तो कर ही ले जाएंगे। बात तो है, लेकिन करंट अफेयर्स ऐसी चीज़ है कि अगर आप कर लेते हैं तो 50 में लगभग 20 क्वेश्चन तो करंट अफेयर से रिलेटेड रहते हैं, 15-20 ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, तो करंट अफेयर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सब आप कहीं से भी पढ़ें, एक बार उसको अच्छे से पढ़ लें, 15-20 घंटे की क्लासेस लगभग SSJEE के लिए चलती हैं, और उसको रेगुलर रिवीजन करते रहें और
जैसे पिंकी मैन के भी सेशंस चल रहे हैं, क्वेश्चंस लगाते रहेंगे तो फ्लो में बने रहेंगे तो हो जाएगा। जीके में भी मेरे लगभग 33 मार्क्स के आसपास थे, जीके में भी 50 में, तो आ जाते हैं। लेकिन प्रैक्टिस किसके लिए चाहिए होगा, वो भी रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए होगा। मीन्स सागर जी का ये कहना है कि अगर आपको एसएससी जेई में सिलेक्शन लेना है तो आपको कंसिस्टेंसी प्रिपरेशन करना है। ऐसा नहीं कि आज पढ़ाई किए हैं 3 दिन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं, कंटिन्यू आपको पढ़ाई करने, जितने आपको टारगेट सेट किए हैं उतना टारगेट आप पूरा करके ही दम लीजिएगा। और शॉर्ट नोट्स आपने बनाए थे? यस सर, बनाए थे मैंने। तो कैसे बनाए थे उनको शॉर्ट नोट्स? जैसे सर ये है कि आप फॉर्मूला का शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, लेकिन मैंने क्या किया कि फॉर्मूला के शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, मैंने नोट्स के अंदर ही जो फॉर्मूला है उसको तो लगभग मतलब मान के चलिए हर 2-3 दिन पे मुझे फॉर्मूला हर सब्जेक्ट से देखने ही देखने पड़ते हैं। क्वेश्चंस लगा रहे हैं तब भी अगर कोई चीज़ भूल रहे हैं तो देख सकते हैं उसे, लेकिन उसको रिवीजन करना है फॉर्मूला वगैरह को। और जो बाकी जो क्वेश्चन बनाते वक्त जो आपको छूट रहे हैं वो चीज़ों को धीरे 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 करते करते उसको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करके आप अपने सब्जेक्ट के पीछे लिखिए और उसको रेगुलर रिवीजन से ही ऐसे ही शॉर्ट नोट्स आपके तैयार हो जाएंगे। जो पॉइंट्स आपको नहीं याद आ रहे हैं उसको अच्छे से मतलब शॉर्ट नोट्स बना के लिख लेंगे और उसको रेगुलर रिवीजन करेंगे तो आपका मतलब कॉन्सेप्ट जो है मतलब सारी पॉइंट्स याद रहेंगे, तो मैक्सिमम पॉइंट्स याद रहेंगे। सारी तो कभी याद नहीं हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम याद रहेंगे। ऐड करना चाहूँगा आपके साथ, क्योंकि एसएससी जेई 2 घंटे का पेपर होता है और 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन करने। यस सर, श्योर ना? और 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करने होते हैं, बहुत फास्ट तरीके से आपको करने, तो उसके लिए आप टू द पॉइंट आपको याद चीजें होनी चाहिए। आपके पास बहुत ज्यादा गलती का स्कोप वहाँ पे है ही नहीं सर, बिल्कुल गलती करने का चांस तो है ही नहीं, गलती की और बाहर हो गए। यस सर, इसके लिए आपको एक सबसे बढ़िया शॉर्ट नोट्स आपको करना क्या है, आप जब अपनी नोट्स पढ़ रहे होते हैं तो वहां से क्या करिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वहां नोट कर लेंगे। आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं सागर, ये भी एक चीज करना चाहिए बच्चों को जो यूट्यूब से पढ़ते हैं। वहां भी जैसे मैं ही पढ़ाता हूँ, मेरा 2 बजे वाला सेशन, उसमें कम से कम 40-35 क्वेश्चन करवा देता हूँ, 35 से 40 क्वेश्चन। वहाँ कम से कम 10 पॉइंट ऐसे होते हैं जो बच्चे को नहीं आ रहे नहीं होते, और वो स्टूडेंट करता है क्या, अभी देख लेता है वीडियो, उसको याद हो गया, लगता है ऐसा भ्रम है, होता नहीं, ऐसा होता नहीं, नहीं। बाद में होता क्या है, 5-6 दिन बाद भूल जाता है। अगर उसी को नोट कर ले अपनी शॉर्ट नोट्स पे और पेपर के मतलब हर सैटरडे फ्राइडे पढ़ता रहे उसको, पेपर के 10 दिन पहले से उसको रिवाइज कर ले। सर कल ही के बाद बता रहा हूँ, आपका एनवायरमेंट का कल एक क्वेश्चन आया था, एलम ऐड करने पे एसिडिटी क्या होता है वाटर में, मैं भी भूल गया था। इससे पहले मेरे शॉर्ट नोट्स में ये पॉइंट थे भी नहीं, इतनी तैयारी के बाद भी 156 आने के बाद भी ऐसे पॉइंट आते ही रहते हैं, आपको रेगुलर लिख रहे, तो मैंने कल उसको वापस अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड किया है। अब वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट था ना, उसमें मैं बताऊँ आपको कि कम से कम 5-6 क्वेश्चन बन जाए। यस सर, और शायद ही बहुत कम लोग उसका कॉन्सेप्ट जानते होंगे, लेकिन कल पढ़ने के बाद एकदम क्लियर हो गया। यस सर, ऐसा ही आपका मतलब नॉलेज का लेवल अप जाएगा एक दिन में तो तैयारी होने से रहा। बिल्कुल सही, धीरे धीरे ऐसा ही होता है। अच्छा, रिवीजन के लिए आप क्या करते थे? रिवीजन के लिए सर जो शॉर्ट नोट्स हैं आपके नोट्स हैं फॉर्मूला वगैरह रेगुलर देखते रहिए, और जैसे वीक में एक दिन टाइम तो रिवीजन के लिए रखना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि रोज़ रोज़ हर चीज़ का रिवीजन कर रहे हैं, आपके पास 12 पेपर्स हो जाते हैं सिविल इंजीनियरिंग में, तो अगर आप जब सब्जेक्ट आपका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, क्वेश्चन सब लगा रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि रिवीजन में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, 1/2-1 घंटे के अंदर आप एक पेपर का रिवीजन कर सकते हैं। तो संडे के संडे भी आप रिवीजन करें तो 5-6 घंटे भी रिवीजन करेंगे तो मैक्सिमम पेपर, कुछ पेपर्स बड़े हैं तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकते हैं, लेकिन जैसे इंजीनियरिंग इरिगेशन इंजीनियरिंग है और सर्वे वगैरह हो गया, फिर ये हो गया एस्टिमेशन कॉस्टिंग, ये छोटे पेपर्स हैं, इन लोगों को रिवीजन करने में 15 से 20 मिनट लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। यस, लेकिन ये चीज़ें हैं कि ये सब जब आप रेगुलर पढ़ रहे हैं, रेगुलर रिवाइज कर रहे हैं, तभी ये 15 से 20 मिनट में हो सकता है, ये नहीं कि 15-20 दिन 1 महीने के बाद करेंगे तो 20 मिनट में हो जाएगा। अच्छा, आपने जब पढ़ाई कर रहे थे तो वैसे सब्जेक्ट को कि एक सब्जेक्ट एक ग्रुप बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एक ग्रुप थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, सब्जेक्ट को डिवाइड किए होंगे। यस सर, यस सर। तो कौन कौन से सब्जेक्ट को आपने इम्पोर्टेंट माना था? जैसे मैंने सबसे पहले तो बीएमसी को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, भी हाँ। बीएमसी, आरसीसी, आरसीसी और स्टील से थोड़ा कम आते हैं लेकिन आते उससे भी, सॉइल मैकेनिक्स, सॉइल मैकेनिक्स, एफएम, सोम, ये सब जो आपको मेजर स्कोरिंग पेपर्स हो गया, लगभग 60-70% सर्वे इसी से आ जाते हैं। और एस्टिमेशन कॉस्टिंग भी आजकल क्वेश्चंस बढ़ गए हैं, पहले नहीं आते थे, अब बढ़ गए हैं, तो अब भी आप उसको भी आप इंपॉर्टेंट में कैटेगरी में डाल सकते हैं। जैसे इरिगेशन से थोड़ा कम आते हैं क्वेश्चंस, तो इन लोगों को हालांकि वो ये पेपर्स इजी भी हैं, ज़्यादा इजी भी है, ट्रांसपोर्टेशन से कम आते हैं। यस सर, तो इन लोगों को आप बाद में रिवीजन कर सकते हैं, बाद में रिवीजन कर सकते हैं। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से जैसे कम क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे कई सब्जेक्ट हैं जिससे कम क्वेश्चन आते हैं, तो ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट आपने इम्पोर्टेंट रखा। अच्छा, प्री की क्या स्ट्रेटजी थी, आप कितने महीने पहले ही स्टार्ट कर दिए थे पेपर को तैयार करना, और क्या रोल था कि एमसीक्यू आप लगाए, पीक्यू, पीवाईक्यू लगवाए, ये सारा कुछ लगाए होंगे, तो प्री की क्या स्ट्रेटजी थी?
प्री के सर ऐसा नहीं है कि आपको फॉर्म आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, उसके लिए आप वेट करेंगे, उसके बाद तैयारी चालू करेंगे। आपको पहले तो आप अपना मन बनाएं कि हमको ये एग्ज़ाम देना है, तो उसके हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन चालू कीजिए। और जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, जब आपके पेपर मतलब कोई पेपर कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद उसके PYQ तो साथ साथ भी लगाने हैं, लेकिन कंप्लीट हो जाने के बाद आपको बाउंडेशन नहीं रहता है कि मैं एक टॉपिक का लगाऊंगा, वो टॉपिक का नहीं लगाऊंगा। उस सब्जेक्ट से PYQ उठा लिया, MCQ कोई भी उठा लिया, कोई टीचर्स का क्लास चल रहा है, जैसे रजत सर का चल रहा है या आपका चल रहा है या आरके सर का चल रहा है, तो उसके क्वेश्चंस मैंने लगाना चालू किया। और क्वेश्चन लगाते लगाते ही आपको मतलब जो भी आपकी कमियाँ हैं वो सामने आती जाएंगी और आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा। और मेनली जो टीचर्स सेशंस लगा रहे हैं उनको पता है कि एग्जैक्टली कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो टीचर्स के अगर यूट्यूब से अगर आप सेशंस लगा रहे हैं, PYQ तो लगाना है, उसके अलावा अगर यूट्यूब से टीचर्स के स्पेशल सेशंस लगा रहे हैं तो आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है आपकी तैयारी में। ओके, तो आप तो इंजीनियर अड्डा के पेड बैच से भी? यस सर, सिविल इंजीनियरिंग में हाईपैक एस सीरीज और सारा कुछ था। यस सर, तो क्या जो हम लोग का पूरा एक माहौल होता है सिविल में, मैं बात कर रहा हूँ, आप क्योंकि सिविल ही पढ़े, तो क्या यही एज इट इज पूरा वहाँ पर मिलता है कि मतलब बेनिफिट होता है 100 में 90% की? यस सर, बेनिफिट तो बिल्कुल होता है, बेनिफिट नहीं होता तो 156 मार्क्स नहीं आते मेरे को। ये बात तो है, मतलब यहाँ पर जो भी क्लास नोट्स बनवाई जाती है बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। यस सर, बस ये होता है कि स्टूडेंट को उसको 2-3 बार पढ़ना होता है। अब यहाँ पर होता है क्या, कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं ना जो एक बार बस क्लास में नोट कर लेते हैं उसके बाद रख देते हैं और PYQ में पढ़े रहते हैं। आपको कॉन्सेप्ट भी अपना डेवलप करना है, ऐसा ना हो कि वो PYQ के चक्कर में आप पेपर देने चले जाएं और आपका सिलेक्शन ना हो, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए, क्योंकि वहां पर नए नए क्वेश्चन भी डिजाइन किए जाते हैं। यस सर, तो इसके बाद एक चीज ये बताइए, मेंस की क्या स्ट्रेटजी थी आपकी? मेंस की स्ट्रेटजी, जैसे ही आप मेंस प्री का एग्जाम दे के निकलते हैं आपको आइडिया लग जाता है कि आपका प्री होने वाला है। होने वाला है, आपको टाइम तो वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, 3 मंथ का टाइम बाउंडेशन है और 1 मंथ बाद लगभग प्री की रिजल्ट आती है, तो अगर आप 1 मंथ प्री का रिजल्ट का वेट करेंगे तो आपका 1 मंथ निकल जाएगा, 3 मंथ में आपके पास 2 ही मंथ बचेगा। तो अगर आपको लगता है कि आप प्री क्वालिफाई कर रहे हैं तो मेंस के लिए तैयारी आप उसी द डे आप एग्जाम दे आ रहे हैं उसी दिन लग जाएगी। बिल्कुल, और जितना हो सकता है अपने मान लिया कि सेशंस अगर स्टार्ट नहीं भी हुए हैं तो PBSEL के सेशंस उठा के अपने लगाना चालू कीजिए, PYQ लगाना चालू कीजिए जो मेंस के आए हुए हैं क्वेश्चंस है, और आपके पास 3 मंथ का टाइम है और रेगुलर अगर आप सेशंस लगाते हैं लेकिन यही तो आपको हो सकते हैं। और प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए सर, मेंस के लिए प्रैक्टिस, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा नंबर आपको बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं। मेरा तो खुद का 250 का अटेम्प्ट रह जाता है, मतलब 300 का तो पहुंचा ही नहीं था, जिस वजह से मेरा थोड़ा सा MES में हो गया, 5 नंबर से मेरा CPWD छूट गया सर। 5 नंबर से CPWD छूट गया, और जिनके प्री में 156 मार्क्स आए हों और उनका मेंस थोड़ा सा, देखिए वहां पर प्रेजेंस आप माइंड काम करता है, क्योंकि पता नहीं कौन से क्वेश्चन में आप थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे दे, तो यहाँ पर प्रैक्टिस बहुत करनी है। और जब मैं बताऊँ, जब मैं इनको पेड बैच में पढ़ाता था ना, तो सबसे पहले इन्हीं का आंसर आता था और इतना सटीक आंसर आता था, मैं इनको पूरा क्वेश्चन लगवा दिया गया था, बाद में SSC तो अपने से कर लिए थे, तो उसी के बदौलत कई हमारे कई स्टूडेंट सिलेक्ट हुए, मोर देन 400+ स्टूडेंट इस बार SSC JEE में सिलेक्ट हुए, जिनमें अभी 84 रैंक भी आई थी मोहित वाजपेयी, आपने देखा होगा, तो ऐसे बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं। तो अच्छा एक चीज बताइए, ये सब करते हुए मैं आपसे एक बात और एज ए स्टूडेंट पूछना चाहता हूँ, अभी 3 महीने बचे हुए हैं, 3 से 4 महीने, क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे? आप अपना कॉन्सेप्ट अगर आपका पूरा थ्योरी कम्प्लीट है तो थ्योरी के साथ साथ आपको आप क्वेश्चन लगाने चालू करने चाहिए, बहुत स्टूडेंट लगा भी रहे होंगे लेकिन सीरियस नहीं होंगे, लेकिन आपको आप सीरियसली लगाना चाहिए, 3 मंथ काफ़ी होता है क्वेश्चंस लगाने के लिए। और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना होगा, सिलेबस जैसे टॉपिक वाइज कंप्लीट होते जा रहे हैं आपको क्वेश्चन उससे रिलेटेड PYQ लगाना चालू कर देना चाहिए, और सिलेक्शन का राज ही है प्रैक्टिस, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका, ठीक है, रेगुलर आपको अपना नोट्स को सुधारना है, उसमें आपके चीज़ों को रिवाइज करनी है और प्रैक्टिस करना है, इसी से सिलेक्शन हो जाएगा, कुछ ज़्यादा स्पेशल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस कंसिस्टेंसी चाहिए। बिल्कुल, अब फ्यूचर में क्या आप देख रहे हैं? फ्यूचर में सर फिलहाल मैं MES को ज्वाइन करूँगा, 1-2 महीने में ज्वाइनिंग आ जाएगा, लेकिन मेरा फ्यूचर टारगेट DDA के एग्जाम्स हैं, और DDA और एक बार और मैं SSC JEE ट्राई करूँगा कि मेरा CPWD में हो जाए। बिल्कुल, मतलब करना भी चाहिए, आपका जितना कुछ तैयार है ना, तो मैं तो आपको एक ही सजेशन देना चाहूंगा कि आप UPSC
बीपीएससी ए के जो पेपर होते हैं या सर उसकी भी वैकेंसी जाने वाली है आएगी तो मैं जरूर उनको भी बिल्कुल आप उनको भी साथ साथ ट्रैकल करिएगा। तो आप एक चीज ये बताइए कि आप मतलब ये पढ़ाई के दौरान कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप डिमोटिवेट हो जाते होंगे कि पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो कैसे आप अपने आप को एनर्जेटिक रखते हैं? डिमोटिवेशन तो जो जर्नी का एक हिस्सा है सर, दो बार मेरा मेंस हुआ, एक बार तो डीवी में मैं मेरिट आउट हो गया और एक बार तो मेरा मेंस मतलब मेंस का पेपर मैं क्वालिफाई करके डीवी में मेरा नाम नहीं आ पाया। तो डिमोटिवेशन होता है, लेकिन एक है कि आपको आपका जुनून तो है, आपको आपका गोल पता होना चाहिए कि मुझे ये करना है, तो उस गोल पे उस पे मेहनत करने से आपका डिमोटिवेशन दूर होता है। उस वक्त आपकी फैमिली काम आती है, आपके दोस्त काम आते हैं जो आपके रियल में वेल विशर्स हैं, जो वेल विशर नहीं है वो तो आपको डिमोटिवेट करने के लिए लगे। आपने क्या किया था जब अगर आप कभी डिमोटिवेट हो जाते थे? डिमोटिवेट रहता हूँ तो मैं जनरली मम्मी पापा के साथ बात करता हूँ, ठीक है, घर पे बात करता हूँ। मेरे पापा काफ़ी पॉजिटिव रहते हैं, वो किसी भी मतलब कंडीशन कैसा भी हो वो कभी हताश नहीं होते। मैं देखा हूँ उनके भी जीवन में क्या करते हैं, पापा मेरे फार्मर हैं, इसीलिए मेन बात इसीलिए क्योंकि वो एक उम्मीद पे ही जिंदा है। उनको आज ये उम्मीद है कि आज अगर ये फसल लगाऊंगा तो कल ही पैदावार देगा, ठीक, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचते कि बरसात हो जाएगी बर्बाद हो जाएगी। एक सबसे बड़ी चीज उम्मीद। तो वो काफी जुझारू इंसान है और वो मतलब उनकी पॉजिटिविटी देख के तो हम लोगों को मतलब लगता है कि इतने मुसीबतों के बाद भी कैसे इतना पॉजिटिव रहते हैं। जब आपका सिलेक्शन हुआ था तो घर वालों को कैसा फील? सर घर वालों में तो माहौल ही कुछ अलग था सर, खासकर मम्मी का मेरे, वो मम्मी तो क्लियरली बोल रही थी, मैंने सुना एक दो बार सुना कि मैं इंजीनियर साहब की मम्मी बन गई, वो काफी बहुत ज्यादा खुश थी। मेरी मम्मी बहुत भोली हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, तो सबसे ज्यादा खुशी तो उन्हीं के चेहरे पे थी, हालांकि पापा भी बहुत खुश थे, लेकिन बाप हरदम खुश होता है लेकिन वो दिखाता उतना नहीं। एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं करता, वो अपने अंदर ही जुनून को भरे रखता है। यस सर, तो अब तो सब कुछ बदल गया होगा आपका? बिल्कुल बदल गया है सर, रिश्तेदारों के फोन भी आने लगे होंगे? रिश्तेदार को लोग तो आते ही हैं सर, ऐसा बात नहीं है, पहले नहीं आते रहे होंगे लेकिन अब नजरिया उनका बदल गया होगा। हां नजरिया तो बदल जाता है, ये तो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है सर। हां मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। अब तो पूछते होंगे कि ठीक है अच्छी बात है। अच्छा आपको जर्नी ये जर्नी के दौरान आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई? जर्नी के दौरान सबसे बड़ा समस्या आता है सर, जब स्टूडेंट घर से बाहर निकलता है अकेले रहता है तो सबसे बड़ा समस्या आता है कि उसको अपने टाइम कैसे मैनेज करे। उसे घर से बाहर रहना है तो अपने खाना पीना भी बनाना है, कपड़े तक धोने पड़ते हैं खुद से, और उसके अलावा फाइनेंशियल इशूज़ तो होते ही होते हैं हर घर में, खासकर जो फार्मिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जो घर बच्चे गरीब घर से आ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए तो सबसे बड़ा यही है कि फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत कमज़ोर होता है, और ऊपर से कभी कभी किसी किसी का सिलेक्शन में लेट हो जाता है तो उन्हें लगता है कि छोड़ दें चले जाएँ वापस, पैसे नहीं घर पे नहीं हैं, कर्ज लिए जा रहे हैं, कुछ ना कुछ समस्या होते रहता है। तो ये सब जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन रह गया बात की अब अपना गोल क्लियर रखिए, अगर हौसला बुलंद रखेंगे तो सिलेक्शन होगा एक दिन। एक जैसा अगर मैं एज ए स्टूडेंट पूछना चाहता हूँ आपसे कि अभी कई एग्जाम है स्टूडेंट के सामने, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल SSC JEE हो गया, झारखंड JEE हो गया, DDA JEE हो गया, बिल्कुल DFCIL हो गया और NHPC हो गया, 6 एग्जाम अभी इनके पास में, बिहार में आने वाला है, यूपी में आने वाला है, अच्छा इंडियन रेलवे में भी JEE की वैकेंसी आने वाली है, तो आप ये 6-7 वैकेंसी को क्या एक साथ ट्रैकल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, टेक्निकल पोर्शन तो सेम ही है। ओके। और नॉन टेक्निकल में भी जो GK GS वगैरह आ रहा है वो तो सेम ही रहता है, किसी किसी एग्जाम में मैथ्स रहता है, किसी में नहीं रहता है, जैसे SSC JEE में रीजनिंग है, मैथ्स नहीं है, किसी किसी एग्जाम में मैथ्स दो ऑप्शनल में आ जाते हैं, तो एक कोई बहुत बड़ी चीज़ भी नहीं है। जो मैथ्स का जो एग्जाम आते हैं, आप लोग साइंस बैकग्राउंड से हम लोग हैं तो 12th तक तो हम लोग मैथ्स रेगुलर पढ़े ही हैं, और मैथ्स जो 10th लेवल तक ही आती है तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो ये हो जाएगा, और मेन पोर्शन जो आपका टेक्निकल है वो तो सभी में कॉमन है, तो आप लेके आप चल सकते हैं जैसे। लेकिन बस एक झारखंड इंजीनियरिंग में एक जनरल इंजीनियरिंग का आ जाता है तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत जैसे आर के सर का सेशंस पड़े हुए हैं अड्डा पे, आप उसको देख सकते हैं, सर भी पढ़ाए हुए हैं तो ये सब देख सकते हैं, आप तैयारी कर सकते हैं, आराम से तैयारी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इंजीनियर अड्डा इस जर्नी में आपको कितना सपोर्ट किया? बहुत सपोर्ट रहा सर, पिछले 1.5 साल से मैं इंजीनियर से रेगुलर जुड़ा हुआ यूट्यूब चैनल से, और मैं सिविल इंजीनियरिंग महापैक का स्टूडेंट भी हूँ, तो काफ़ी हेल्प रहा है सर, खासकर मतलब चीनो चीज़ जो हमको टेक्निकल पढ़ा रहे हैं, इनका तो मतलब जो कंसेप्ट पढ़ाने का तरीका है आपको मतलब तरीके से दिमाग में छप जाता है, आप रेगुलर प्रैक्टिस में रहेंगे तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, और टीचर्स का मतलब बहुत बड़ा रोल रहा है सिलेक्शन में सर। क्योंकि सर एक बात मैं जानता हूँ कि कोई भी टीचर, जैसे मुझे इस टीचिंग फील्ड में करीब 9 से 10 साल हो गया, तो कोई भी टीचर हो जब वो पढ़ाते पढ़ाते करता है क्या ना, पूरे दूध से क्रीम निकाल लेता है और बच्चों को ही प्रोवाइड करवाता है। यस सर, अगर उतना ही कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर कर लेना तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल सर, जाहिर सी बात है टीचर्स पढ़ा रहे हैं 10 साल से पढ़ा है तो स्टूडेंट जो 2-3 साल से तैयारी कर रहा है उससे तो ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। बिल्कुल, और टीचर्स को तो
ये मतलब क्या पैटर्न रहा है, क्या क्वेश्चन इस साल आया हुआ था, अगले साल क्या पूछ सकता है उससे रिलेटेड, ये तक प्रेडिक्ट कर सकते हैं टीचर्स। हाँ बिल्कुल, कई ऐसे क्वेश्चन तो होते हैं। टीचर्स का जो अगर एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, अगर आपको कुछ सलाह दे रहे हैं तो हमारे समझ से स्टूडेंट को फॉलो करना चाहिए, उससे आपका भला ही होगा, उससे कुछ नुकसान तो होने सर वाला बच्चों नहीं के है। लिए कोई सजेशन आपकी तरफ से? सजेशन यही है कि सर अगर आपका गोल क्लियर है कि मुझे ये सिलेक्शन चाहिए तो आप मेहनत करते रहिए, हो सकता है 1-2 साल आपको लेट हो जाए लेकिन सिलेक्शन मिलेगी, बस आप अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। मेहनत, अगर इसका मतलब ये कि अगर आपने मेहनत किया तो आपको सफलता मिलेगी, यस सर, जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी, कल नहीं तो परसों मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर। सर मेहनत कभी भी वो हम लोग जाया नहीं बोलते हैं ना जाता, लेबर नेवर गोज इन वेन, ये बात सही है, ऐसे एकदम बोलने सही का। बात है। तो ठीक है, थैंक यू यार, थैंक यू सर। और आई होप ये डिस्कशन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। तो ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहें इंजीनियर संडे के साथ। ओके, बाय बाय।